नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हो वेदर एमपी न्यूज और इस समय आपके साथ मैं हूँ दिव्या अठवाल। इस वक्त की जो हमारे पास खबर है वो काफी चौंका देने वाली खबर है। जी, आपको बता दें कि कभी कभी एक छोटी सी गेम में हारने को लेकर कुछ इंसानों के मन में ऐसी नागवार चीजों से गुजरना पड़ता है। वहीं कई ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद ही उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। जी, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला ने लूडो गेम में हारने को लेकर अदालत तक पहुंच गई है। जी हाँ, अदालत तक पहुंच चुकी है। हैरान कर देने वाला मामला है जहां पर एक छोटी से गेम में हारने को लेकर अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। जी हाँ, ये काफी चौंका देने वाला मामला है। शायद ही आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो काफी सच है। जहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महज 24 साल की महिला ने अपने ही पिता के खिलाफ, यानी कि लूडो गेम में हारने को लेकर अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत कर दी है और वह अदालत तक पहुंच चुकी है। जहां पर कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के बीच में काफी लोग अपना समय बिताने को लेकर लूडो जैसा गेम को खेलते हैं, वहीं कई ऐसे गेम भी खेलते हैं जहां पर लॉकडाउन में अपने परिवार के बीच में बैठकर अपना समय बिताते हैं। तो वहीं कई लोग इस चीजों को हारने को लेकर अदालत तक पहुंच चुकी हैं। तो ये काफी हैरान कर देने वाला मामला है जहां पर एक 24 साल की महिला ने अपने ही पिता के खिलाफ लूडो गेम में हारने को लेकर अदालत तक पहुंच चुकी है और अपने पिता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी कोर्ट की काउंसलिंग सरिता ने दी है। सरिता के मुताबिक महिला का कहना है कि उसने अपने पिता पर इतना भरोसा किया और उसने धोखा देने की उम्मीद नहीं की थी। सरिता का कहना है कि हमने महिला के साथ 4 काउंसलिंग सत्र आयोजित किए हैं। वहीं सरिता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो ये काफी हैरान कर देने वाली बात है जहां पर एक छोटे से गेम में हारने को लेकर एक महिला ने अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। तो ये थी वॉइस ऑफ एमपी की तरफ से खबर जो आप तक पहुंचाई है। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।